मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉनवेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माज स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। माज रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। ऐसा भगाते हैं जैसा बेचारे कुत्ता बिल्ली भाग रहे ले। ये पीछे पीछे डाकू रोज का जो बेचारा कुआं खोदता है पानी पीता है उसका कुआं तुम लोग वो कर रहे हो। माल अगर पकड़ेगा तो सीधा मैं कैंची घोप दूंगा और मार दूंगा। और देखो तो हथौड़े से तोड़ा जाता है चीजें और मार के लाऊंगा। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दे मुंब्रा शहर में जिस तरह से रोड के किनारे ऐसे ही धंधा लगता है, ये धंधा राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन से लेकर और शिमला पार्क तक यानी कि तनवर नगर तक आपको देखेंगे। इसी तरह से रोड पर एक तरफ की साइड में ये धंधा यहाँ पर लगता है और ठाणे महानगर पालिका जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और आज कार्रवाई से नाराज होकर तमाम हॉकर जो है नूरानी होटल के सामने विरोध प्रदर्शन पे यानी धरने पे बैठ गए थे, रास्ता रोक दिए थे, एक तरह से कह सकते हैं कि चक्का जाम कर दिए थे। हॉकर्स का कहना है कि लगातार जिस तरह से उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनका माल यहाँ से उठाया जा रहा है उसको लेकर हॉकर्स जो है नाराज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए तमाम हॉकर जो है वो नाराज होकर आज विरोध प्रदर्शन पर उतर गए और नूरानी होटल के सामने जो है उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। जिस तरह से हॉकर्स में काफ़ी नाराजगी जो देखी गई है, हम हॉकरों से जो बात की है वो आपको सुनाते हैं कि ठाणे महानगर पालिका द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर किस तरह से जो हॉकर्स हैं उनमें नाराजगी है। महल बना रहे, ये कर रहे, बंगला बना रहे, ये गरीब लोग क्या करेंगे साले। मैं तो बोलती जो भी कोई आएगा उन लोग का आंदोलन कर दो, बस हो गया। अरे क्या है, उठाना पटक के मार दो, यानी दुनिया ये खाना भी नहीं देती है तो क्या चोरी चका भी करेगी? चोरी करेगी क्या, ये बताइए आप लोग। शुरुआत से यही हो रहा है। अरे बम्बई जैसे एरिया में पब्लिक का सामान दे देते, यहाँ तो सामान नहीं देते, बुलडोजर चलाए जाते, पत्थर ये हथौड़े मार रहे, क्या हिसाब से ये सब करा जा रहा है? ये तो बताओ मुमरा में क्या पहली टाइम सब धंधा करते हैं? ये तो बताइए आप लोग। तोड़ा गया है कितनी पब्लिक का, मैं बताऊ अभी कितना जान का। अरे हर एक को मोहताज कर दिया ले। हम इधर औरतें नीचे उतरती है बाजार के लिए, अगर हमारे को कुछ नजदीक मिलता है तो हमारे लिए अच्छा है, हमको उधर तक पहुंचाने का रिक्शा भरा उसका बाप देगा क्या? गली में से उठा रहे। अरे ये कौन सा है? हाँ मेरा भी माल गया भाई गली में से, वो उठा के लेके गया। बिल्डिंग की अंदर से उठाया, मेरी गाड़ी तोड़े गई भैया स्ट्रॉबेरी की और माल भी पलटी कर दिया। विरोध करना किसको बोलना, झगड़ा करूं किससे करना? हमने नहीं करे, हमने वो बोले हम करेंगे, होएगा, जाएगा, ऐसा बोल रहे हो लोग। कौन से नेता ऐसे है, नेता वोट मांगने के लिए खड़े हो जाते हद है हद। नेता लोग वोट मांगने के लिए खड़े होते हैं यही लोगों के पास, इन लोग का आधार कार्ड पैन कार्ड है, जब तक का जब कहा जाते नेता लोग। ये है ना, सिर के ऊपर हो गया है, गरीबों के ऊपर कुछ करना पड़ेगा क्या? लोग के तो सब चल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग करेंगे क्या, ये तो बताइए। रोज का जो बेचारा कुआं खोदता है पानी पीता है उसका कुआं तुम लोग वो कर रहे हो। अरे हद हो गई, हद हो गई। एक टाइम तुम लोग तो करो, दो टाइम करो, ये तो डेली का है, पूरा दिन यही हरकत हो रही है। इंसान लगाए तो क्या करेगा, रोड पे लगाते हैं। अरे हद हो गया, हफ्ता बंदी करना है क्या? ये बताओ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो ना, हफ्ते चालू कर देंगे ना। आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग हॉकर जोन की मांग यही है, फिर हॉकर जोन होने जाने ना, बोलिए फिर हॉकर जोन तो होना ना भाई। ये कौन सा उठा रहे, लेके जा रहे, फेंक दे रहे भाई, रोड पे आप लोगों को सामान फिर रिटर्न नहीं देते, सामान नहीं देते, सामान बिल्कुल नहीं देते।
बिल्कुल सब मांगे क्या है? गरीब क्या मांग कर सकता है? हाँ, अरे एक रोजी रोटी के लिए अपने बोलता है। हाँ, मांगे कुछ नहीं यहाँ पे, एक नॉर्मल तरीके से जो अपना कहीं से माल ला रहा है, अपना पेट भर रहे हैं, घर चला रहे हैं। हाँ, तो क्या चाहते हैं कि चोरी डकैती शुरू हो जाए? हाँ, वो मामले में क्यों लाना चाहते हैं? चोरी डकैती तो क्या चाहते हैं? हाँ, एक गरीब क्या मांग करेगा? मांग किसी की कोई मांग नहीं है, और नॉर्मल तरीके से धंधा पानी करें तो उसको आप करने के लिए क्यों रोकते हैं? हाँ, खरीदी करने के लिए आए। मैं होकर्स भी हूँ और खरीदी भी करता हूँ, मैं धंधा पानी भी करता हूँ यहाँ पे बैठ के, समझे? इस तरीके से नहीं होता। ज्यादातर यहाँ पर क्या है, हाँ, कोई सुनवाई नहीं। एक लावारिस जैसे पब्लिक है, उठा के भागते हैं, कभी माल छीन लिया जाता है, कभी क्या क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे या तो उनका या तो उनको एक हद दे दी जाए कि आप इस आती है, या तो उनको तो चीजें ऐसी लेती है, लेकर भी उन लोग का सामान नहीं दिया जाता है। सामान क्यों नहीं देते हो आप लोग? सामान उन लोग का लेके जब्त कर लेते, और देखो तो हथौड़े से तोड़ा जाता है चीजें। अरे जो इंसान कैसा कैसा करके एक हाथ घड़ी बनाता है, उसको 4,500 रुपया लगता है एक हाथ घड़ी बनाने, वो गरीब क्या करेगा? ये तो बताओ, कैसा कैसा अपनी बीवी का जेवर रखता है, क्या क्या करता है, आज क्या करना है ये तो बताओ। इन लोग को बोलो, इन लोग को जो है जो ये इसके ऊपर जो है लास्ट, हम लोग क्या हम लोग वायलेंस बन जाए? हम लोग वायलेंस बन जाए क्या भाई? ये बताओ हम लोग को वायलेंस, हम लोग है, हम लोग खरीदी करने आते हैं, यहाँ देखो तो बिचारे लोगों को इस तरीके से भगाया जाता है। अरे बाप रे, ऐसा भगाते हैं जैसा बिचारे कुत्ता बिल्ली भाग रहे ले, ये पीछे पीछे डाकू। आप सभी जो दो महिलाएं यहाँ पर हैं, आप लोग क्या होकर हैं, या आप लोग जो यहाँ पर खरीदी करने के लिए आते हैं, क्या लगाते हैं, धंधा लगाते हैं? आप लोग भी होकर है धंधा लगाते हैं? हाँ, धंधा लगाते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे खाते में 50,000 का महीना डाले, 8 फैमिली है हमारी, तो खर्चा हम लोग नहीं करेंगे, बैठ के खाएंगे, नहीं आएंगे यहाँ धंधा लगाने, नहीं आएंगे रोड पे। ये क्यों ऐसा कर रहा है? अंदर आने के अंदर से सामान ले लेके गए, ले कॉलोनी के अंदर से ले, किस हिसाब से लेके जा रहे? तुम्हारा काम है रोड पे पकड़ने का, तो रोड पे पकड़ो ना, भागने वाले का क्यों पकड़ रहे? कोई तरीका है? अंदर आने का मतलब क्या है? कॉलोनी के अंदर से सामान लेके गए हुए है, जितने धंधे वाले हैं सबको खड़ा करा के लाइन से सबके बाल बच्चे को गोली मार दो, जो न रहेंगे गरीब न गरीबी हटेगी। बस खाली बस नेता लोग को रखो, नेता 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 चाहिए नेता। अभी कौन कौन सा नेताओं के नाम बता देगा हम लोग? नेता नेता लोग यही सब करने के लिए बनते हैं क्या? नेता नेता गरीबों का बनते नेता उन लोग को भेजता है। कल से मेरा माल अगर पकड़ेगा तो सीधा मैं कैंची घोप दूंगा और मार दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं एक ही बात, 50,000 का माल ले मार दूंगा, जेल जाऊंगा चलेगा, पर सबके लिए जीऊंगा, मारूंगा जरूर, और कल तक डट के लगाऊंगा धंधा, और अभी धंधा लगाऊंगा, मारूंगा जरूर। जो यहाँ के नगर सेवक है आप लोगों ने बात की, मैं मारूंगा, एक कातर लियो मैं मारूंगा, मैं बता के लाऊंगा और मार के लाऊंगा, मार के लाऊंगा। अरे तेरा बीवी बच्चों ने लॉकडाउन तो मार रही है, लॉकडाउन तो मार रही है, जाएगा क्या रोड पे? नहीं लगाए रोड पे तो ला दिया है, खाएगा क्या? चोरी करेगा? हमारे से चोरी नहीं होती है, तुमसे चोरी होती, तुम करो, हम पेट पालते हैं, कर रहे हैं रोड पे तो कर लेते, अब कल से मारेंगे मारेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से थाने महानगर पालिका जो है हॉकर्स पर कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर जो है अब काफ़ी जो है घमासान मचा हुआ है, कि जो हॉकर्स है वो काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर कल से जो है अगर मनपा कार्रवाई करेगी तो वो कानून को हाथ में भी लेंगे। इस तरह की तमाम तरह की बातें जो है हॉकर्स यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।